अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वाई जेड स्ट्राइव्स। आज हम बना रहे हैं खुबानी की मीठी चटनी, वो भी सिर्फ तीन अज्जा की मदद से। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप सूखी खुबानी, जिसे आप रात भर पानी में भिगो लेंगे। साथ ही इसमें जाएगी एक कप चीनी। रात भर भिगोने के बाद खुबानी को चम्मच की मदद से मैश कर लीजिए। इतना मैश कर लें कि कुछ दाने भी इसके बाकी रह जाएं। अब एक पतीली में दो कप पानी, एक कप चीनी और मैश की हुई खुबानी डालकर अच्छी तरह हिला लें। आप इसमें कोई भी फूड कलर शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ये रेड कलर में मौजूद है, तो मैं 2 टेबलस्पून ये रेड कलर शामिल करूंगी। ध्यान में रखिएगा कि फूड कलर अच्छी कंपनी का होना चाहिए। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिला लीजिए। अब इन तमाम अज्जा को हल्की आंच पर पकाएं, जब तक कि चटनी गाढ़ी ना हो जाए। चटनी कुछ इस तरह गाढ़ी हो जाए तो इसे एक प्याले में निकाल लीजिए और हसब मंशा तिल से सजा कर पेश कीजिए।